हेलो दोस्तों, मैं अमित कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है मेंस्ट्रुएशन या फिर क्षेत्रमिति। ठीक है, दो सेशन हम इसमें कर चुके हैं। तीसरा सेशन स्टार्ट होता है। जो हमने पहले दो सेशन किए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे कि बेलन हो गया, शंकु हो गया, वर्ग आयत वगैरह। और ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखने से बनता है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, पहले तो इसको छोटी सी फिगर बनाते हैं। ये कह रहा है कि एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा जाता है, यानी कि अर्धगोले के ऊपर, मान लो ये आपके पास अर्धगोला था और इसके ऊपर रखा गया एक शंकु। ठीक है, ये कह रहा है कि इस तरह का एक खिलौना बनाया गया और खिलौने की कुल ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है और खिलौने की त्रिज्या 3.5, यानी कि ये जो इसकी त्रिज्या है यहां से लेकर अगर यहां तक देखा जाए तो ये है 3.5, यानी कि इसकी त्रिज्या ये भी 3.5 होगी। और ये जो पूरी खिलौने की जो लंबाई थी वो बताइए उसने 15.5, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो है 15.5 और यह है 3.5, तो यानी कि ये जो पोर्शन हुआ इस पोर्शन की लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अब आपको शंकु की ऊंचाई भी मिल गई है, शंकु की त्रिज्या भी मिल गई है। बस अब जब आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो ऊपर शंकु बना हुआ है उसका तो वक्र पृष्ठ, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि उसके नीचे की जो सतह होती है वो भी जुड़ती है, लेकिन यहां आपको सतह दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो अर्धगोले के अंदर छुपी हुई है। तो इसमें सिर्फ ये जो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल और प्लस ये जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ये बस ये दोनों चीजें आपने जोड़नी है। यानी कि अगर मैं शंकु का वक्रपृष्ठ देखूं तो ये होता है आपका पाई आर एल, ठीक है, और प्लस शंकु का, अगर पूरे शंकु का देखें तो 4πr², लेकिन यहां सिर्फ आधा है तो ये हो जाएगा 2πr². ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको चाहिए एल। L क्या होता है? ये त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, अब आप देखिए कि ये क्या है, 12, ये कितना है 3.5, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो आप निकाल सकते हो कि 12² + 3.5² = L², यानी कि 12² = 144, 35² = 12 = 25, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 156.25 = L², तो L बराबर कितना हो जाएगा? 12.5। ठीक है, यानी कि जो इसकी त्रिज्या ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 12.5। अब कर लेते हैं, इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो? पाई आर, ये हो जाएगा एल प्लस 2r, ये तो बचेगा। ठीक है, पाई आर, आर तो है आपका 3.5, यानी कि 22/7 गुणा 3.5 गुणा एल कितना है आपके पास? 12.5, और प्लस 2r कितना हो जाएगा? 3.5 × 2 = 7, तो 12 और 7 19.5। ठीक है, 7 से ये कट गया 0.5, यानी कि 22 × 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 × 19.5। ठीक है, 11 × 5 = 55 और 11 × 99 और 5 = 104, 11 × 11 = 10 = 21, तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस बेलन तथा ठोस शंकु के बराबर आधार तथा बराबर ऊंचाइयां हैं। यदि त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात 4:3 हो तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? देखिए, अगर इसमें त्रिज्या और ऊंचाई की बात करें तो त्रिज्या आपको दे रखी है 4 और ऊंचाई इसमें दे रखी है आपको 3। ठीक है, अब 4 और 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो आपसे आंसर पूछा गया है वो भी रेशियो में ही चाहिए, तो यानी कि जब भी आपसे रेशियो में पूछा जाए तो इनके साथ अगर आप ए लगाना, ए या एक्स लगाना चाहते हैं लगा देते हैं, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि त्रिज्या 4 और ऊंचाई आपने मान ली 3। ठीक है, या फिर एक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए मान लेते हैं, त्रिज्या 4a और ऊंचाई 3a। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh प्लस 2πr² यही होता है,
और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अगर वक्र पृष्ठ की बात करो पाई आर एल, और प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, इन्हीं दोनों का आपको अनुपात चाहिए। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो कॉमन क्या आ जाएगा? टू पाई आर इंटू आर प्लस एच, और नीचे क्या आ जाएगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, अब देखिए टू पाई आर, यानी कि पाई से तो पाई कट गया, आर से कट गया आर। अब आपके पास बचता है टू इंटू आर प्लस एच, यानी कि चार और तीन सात है, और आर प्लस एल यानी कि चार ए और तीन है। अगर आपको ये दिया गया चार ए और तीन है त्रिज्या और ऊंचाई, तो एल आपने निकालनी है स्लेंट हाइट यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई, तो ये कितनी हो जाएगी? पांच है, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन गया। त्रिज्या चार है यानी कि ये हो गया चार ए, ये हो गया तीन है, तो ये हो जाएगा पांच है। ठीक है, तो यानी कि इसको आप कह सकते हो पांच है। आर कितना है आपके पास? चार, और एल कितना हो गया? पांच, यानी कि चार और पांच नौ है। अब ए से ए कट गया। ठीक है, अगर आप इसमें ए रखना चाहते थे रख सकते थे, ना ही भी रखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? चौदह बटा नौ, यानी कि अनुपात आ गया चौदह अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर। बस इसमें फॉर्मूले हैं आपके पास, अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हैं, आपको अच्छे से याद हैं, तो आपने बस फॉर्मूले यूज करने हैं, ज्यादातर आंसर आपको मिल जाएंगे। एक घन के आयतन का आंकिक मान इसकी भुजाओं के योग के समान है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कितने इकाई होगा? देखिए, आपको कहीं कोई वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन आपको आंसर पूछ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू में, तो ये जो आपको लैंग्वेज दी गई है इसमें ही कहीं ना कहीं इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए, एक घन के आयतन का आंकिक मान, यानी कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात तीन। ठीक है, यानी कि ए क्यूब आप कह सकते हो। तो घन के आयतन का जो आंकिक मान है इसकी भुजाओं के योग के समान है, यानी कि अगर आपने भुजा ए ली हुई है तो इसकी भुजाओं का योग, यानी कि अब समस्या आती है कि घन की भुजाएं कितनी होती हैं। अगर आप घन की परत देखोगे तो घन की परत होती है छह, लेकिन अगर आप भुजाओं की बात करोगे तो घन में भुजाएं होती हैं बारह। ठीक है, तो यानी कि अगर एक साइड का, अगर एक भुजा की लंबाई ए है तो बारह भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी? बारह है। तो यही तो बोला था कि घन का आंकिक मान जो है, आयतन का आंकिक मान जो है भुजाओं के योग के बराबर है, यानी कि एक ए से एक कट जाएगा, यहां बचेगा ए स्क्वायर बराबर बारह, तो यानी कि ए बराबर आ गया आपका रूट बारह, या फिर टू रूट थ्री भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कितने इकाई होगा? अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? सिक्स ए स्क्वायर, सिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सिक्स इंटू, अब इसकी भी हमको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमको चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर आपको कितना दे रखा है? बारह, यानी कि बहत्तर आपका आंसर। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, क्वेश्चन आसानी था, बस एक छोटा सा पॉइंट इसमें यह था कि घन की भुजाएं कितनी होती हैं। ठीक है, तो घन की भुजाएं होती हैं बारह, अगर परत देखोगे तो परत तो छह होती हैं, ठीक है, लेकिन घन की भुजाएं होती हैं बारह। 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्गाकार कागज से सबसे बड़ा संभव वृत्त काटा गया है, वृत्त के क्षेत्रफल का मूल वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात निम्न में से किसके सबसे निकट होगा? देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार कागज था, इसमें से सबसे बड़ा संभव वृत्त काटा गया, यानी कि अगर मान लो ये आपके पास वर्ग दिया गया तो इसमें से संभव मैक्सिमम वृत्त क्या हो सकता है? संभव हो सकता है कि जो चारों भुजाओं को टच करे। ठीक है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि जो उसका व्यास जो होगा वृत्त का, वो वर्ग की एक भुजा के बराबर ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना है? वो भी 10 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या आप कह सकते हो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब यह कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई, यानी कि 22 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर, 5 गुना 5। वृत्त के क्षेत्रफल का मूल वर्ग के क्षेत्रफल से, मूल वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग 100। इसका अनुपात आपसे पूछा था कि किसके बराबर, किसके आसपास
हो सकता है, ठीक है, यानी कि 5 गुना 5 25, 25 से इसको आप काट सकते हो 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुना 4, तो 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 11:14, ठीक है, तो किसके सबसे नजदीक हुआ, 11:14, 11:14 का मतलब अगर आप इसको डेसिमल में करना चाहते हैं तो 11/14 कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112, यानी कि 0.8 के आसपास होगा, ठीक है। अब इसमें से 0.8 कौन सा है, ये, ठीक है, इसको देखोगे तो ये बनेगा 0.6, इसको बनाओगे तो ये बन जाएगा 0.83, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0.8 7 8 56 4 7 5 35, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये बन जाएगा एग्जैक्टली 0.7 98 12 0 14 9 126, यानी कि 0.78 के आसपास, ठीक है, और ये बन रहा है आपका पूरा 0.80, ठीक है, तो सबसे नजदीक कौन सा है आपका 4/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 100%, 200% तथा 200% बढ़ाई जाए तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखिए ये जो आपको अनुपात दे रखा है इसी को आप इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान सकते हो, ठीक है, यानी कि लंबाई आप कह सकते हो 1, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 3, ठीक है, यानी कि अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर आपने 1, 2, 3 मान ली तो आयतन कितना हो जाएगा, LBH यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 3 गुणा 2 6, अब आयतन है इसका 6। अब ये कह रहा है कि घनाभ की लंबाई 100% बढ़ जाए, 100% बढ़ने का मतलब होता है 2 गुना, क्योंकि प्रतिशत जब हमने चैप्टर किया था तो उसमें हमने बताया था कि बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर 100% बढ़ाया जाएगा तो 2 गुना, अगर 200% बढ़ाया जाएगा तो 3 गुना, ठीक है, तो लंबाई जो है 100% बढ़ाई जा रही है यानी कि इसका 2 गुना, ये 200% बढ़ाई जा रही है चौड़ाई तो यानी कि इसका मतलब 3 गुना 6, और एच भी इसका हो जाएगा 3 गुना, यानी कि तो अब नया आयतन कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 12 12 गुना 9 108, ठीक है, यानी कि पुराना आयतन 6 नया आयतन 108। अब आपसे पूछा है कि घनाभ के आयतन में वृद्धि कितनी हुई, ठीक है, तो वृद्धि कितनी है 102, वृद्धि प्रतिशत जब आप निकालना है यानी कि अब आपने देखना है कि ये जो 102 है वो पुराने आयतन का कितना गुना है, ठीक है, पुराने आयतन का कितना गुना हो गया 6 से, अगर आप 102 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पूरा 17, या फिर आप सीधा से ये भी कह सकते थे कि 6 का 18 गुना 108, यानी कि अगर 18 गुना हो रहा है तो वृद्धि मतलब 17 गुना, तो आंसर आ जाएगा आपका 17 गुना, ठीक है। चलिए, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पानी से आंशिक रूप से भरे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, बर्तन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि गोला पूर्णतया डूब जाए तो पानी का तल कितना ऊपर उठेगा। देखिए बर्तन की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन देख लेते हैं, गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr³, आर क्यूब का मतलब 27, ठीक है, और इसका जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बर्तन की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और गोला पूर्णतः डूब गया यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो बर्तन का जो आयतन रखा होगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला उसके बराबर आपने उसके आयतन के बराबर ये गोले का आयतन बना देना, ठीक है, यानी कि अगर मैं बर्तन का आयतन देखूं तो बेलन का आयतन कितना होता है πr², आर स्क्वायर का मतलब 36 × h, ठीक है, तो पाई से कट गया पाई, और 3 से अगर आप इसको काटोगे तो 9 बार, तो 9 गुना 4 36 बराबर 36 h, तो 36 से 36 कितनी बार कटेगा h, यानी कि ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी उसमें 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो यानी कि गोले का आयतन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का और जिस बर्तन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है उसका आयतन दोनों को बराबर कर दो, वो आपका आंसर मिल जाएगा, आपको ऊंचाई आपने निकालनी थी यानी कि पानी का तल कितना उठेगा वो आपको मिल जाएगा। 20 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्ताकार पार्क के सीमा रेखा के ठीक
अंदर एक मीटर चौड़ाई का वृत्ताकार पथ बना हो तो इस पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए 20 सेंटीमीटर व्यास का वृत्ताकार पथ था, 20 सेंटीमीटर व्यास का, ठीक है, यानी कि इसका आप व्यास कह सकते हो 20, और इसके अंदर एक मीटर चौड़ाई का, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सेंटर मान लें तो यहां से लेकर पूरा बाहर तक उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाला जो रास्ता है इसकी चौड़ाई है 1 मीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आंतरिक त्रिज्या इसकी रह जाएगी सिर्फ 9 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर तो चौड़ा रास्ता हो गया। तो अगर पूरा बाहर का तक का देखें तो 20 मीटर व्यास यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 10 मीटर, और अगर 1 मीटर चौड़ाई का वृत्ताकार पथ है तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो जाएगी सिर्फ 9 मीटर। अब आपने बताना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि ये जो रास्ता जो है इसका क्षेत्रफल आपने बताना है, ठीक है। अब देखिए अगर आप पूरे बाहर वाले में से इस अंदर वाले को माइनस कर दें, ठीक है, यानी कि पूरे बाहर से आपने अंदर वाले को माइनस कर दिया तो इसका मतलब क्या बचेगा, सिर्फ रास्ता ही बचेगा, तो यानी कि पूरे बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब 100। इसमें से आपने आंतरिक वृत्त को निकाल दिया यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब 81, तो क्षेत्रफल कितना बचा, 19 पाई, यानी कि 19 पाई जो है उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इसमें बड़े से बड़ा संभव शंकु निकाला जाए तो शंकु का आयतन कितना होगा। देखिए घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसमें से बड़ा संभव शंकु निकाला जा रहा है, यानी कि जब आप शंकु निकालेंगे तो मैक्सिमम जो शंकु का आधार होगा वो कितना हो सकता है। भाई एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो घन था उसकी एक परत ये है जिसकी एक साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसमें से एक शंकु आपने निकालना है, तो शंकु मैक्सिमम किसका कितना निकल सकता है, यानी कि जिसका आधार भी 10 सेंटीमीटर का व्यास का हो, तभी तो निकल सकता है। यानी कि जो शंकु होगी, शंकु जो होगा तो शंकु की त्रिज्या आप कितनी ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो शंकु का मैक्सिमम आधार हो सकता है वो हो सकता है 10 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, यानी कि शंकु की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब घन की जो सारी भुजाएं होती हैं वो तो 10 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, क्योंकि अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन की सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो उसकी हाइट जो होगी मैक्सिमम, तो शंकु की ऊंचाई जो होगी वो भी मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर ही हो सकती है, ठीक है। अब पूरे घन में से यानी कि 10 सेंटीमीटर वाले घन में से आपको शंकु निकालना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले शंकु घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन तो हो जाएगा आपके पास 10^3 यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो बेलन होता है बेलन का पूरा 1/3, ठीक है, तो यानी कि शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर भी है यानी कि त्रिज्या भी आपके पास, और एच का मतलब ऊंचाई भी आपके पास, ठीक है, तो शंकु का आयतन ही आपसे पूछ रहा था, तो घन के आयतन की तो हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन अगर आपने आर भी निकाल लिया एच भी निकाल लिया तो इसका मतलब शंकु का आयतन आप निकाल सकते हो 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 5^25 और एच का मतलब 10, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 25 × 22 कितना हो जाएगा, 300, 25 × 50 और 25 × 50 और 5 55, ठीक है, 550 और × 10 5500/21, ठीक है, 5500/21 का मतलब 21 × 42 13 0, 21 × 6 126, 4 0 21 यानी कि 261 दशमलव कुछ, ठीक है,
यानी कि 19 आ जाएगा, 0 19 निम्न 189, यानी कि 261.9 घन सेंटीमीटर आ जाएगा इस शंकु का आयतन। ठीक है, यहां बस आपने देखना ही क्या था कि शंकु की, अगर आपको घन की भुजा दे रखी है तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई जो होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर के ही बराबर। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के समान परिमाप है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अगर आपके पास वर्ग का विकर्ण दे रखा है तो वर्ग की भुजा भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, भुजा इंटू √2, ये होता है इसका विकर्ण, यानी कि विकर्ण आपको दे रखा है 12√2, तो आप सीधा सा कह सकते थे कि भुजा इसकी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि भुजा होगी 12 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा था कि वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के समान परिमाप है, यानी कि अगर भुजा 12 है तो इसकी, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा, यानी कि 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 48 सेंटीमीटर जो है वो एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा, 3 गुना त्रिभुज की भुजा, ये हो जाएगा आपका 48। 3 गुना भुजा क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया था जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो 3 से कट गया 16, तो यानी कि त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 16। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग 16 गुना 16। ठीक है, तो 4 से कट गया 4 बार, आगे आपके पास 16 गुना 4 64, 64√3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 64√3। ठीक है, लेंथ आप ये जो कैलकुलेशन है इसको आप माइंड में भी कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, जहां आपको 12√2 दिया गया विकर्ण, तो यानी कि भुजा आपके पास हो जाएगी दिमाग में सीधा 12, 12 गुना 4 48, 48 का 1/3 16, यानी कि √3/4 गुना 256, तो 4 से कटेगा 64 बार, 64√3। आगे बढ़ते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, जब आपको ऐसा त्रिभुज दिया जाए जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों और आपसे पूछा जाए अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप निकालने के लिए क्या करोगे, डेल्टा बाई एस, यानी कि डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और एस का मतलब a+b+c/2, यानी कि आप इसको कह सकते हो एक तरह से अर्ध परिमाप। ठीक है, यानी कि जब आप अंतर्वृत्त की त्रिज्या या अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर आप निकाल रहे हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जहां की त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ठीक है, डेल्टा बाई एस, डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल और एस का मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, अब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, s·s−a·s−b·s−c और पूरे का रूट, हेरन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं s बराबर क्या होगा, 6, 11, 15/2। ठीक है, यानी कि 6, 11, 17, 17 और 15, 32, 32 का आधा 16, तो s तो हो गया 16। अब क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो क्षेत्रफल होगा s·s−a·s−b·s−c। ठीक है, s कितना है, 16, 16 में से 6 गए 10, 16 में से 11 गए 5 और 16 में से 15 गया 1। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपके पास 16 × 5 = 80, 80 × 10 = 800, यानी कि √800, इसको आप कह सकते हो 20√2। ठीक है, तो क्षेत्रफल आ गया आपके पास 20√2। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल हो गया 20√2 और अर्ध परिमाप कितना है, 16, तो 4 से काट लेते हैं 5 और 4, यानी कि 5√2/4, ये आ जाएगा आपका अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, एक दो फॉर्मूले हैं बस उनको यूज आपने करना है। एक आयताकार बक्से की भुजाएं 1:2:4 के अनुपात में तथा इसे कपड़े या शीट से क्रमशः 20 रुपए
तथा 20.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कवर करवाने की लागतों का अंतर 126 है, 126 रुपए है, तो बक्से की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 1, 2, 4 यानी कि भुजाओं का जो अनुपात आपको दे रखा था वो दे रखा था 1, 2, 4, ठीक है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि लंबाई 1, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 4, और सभी के साथ आप a लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि लंबाई आप कह सकते हो 1a, चौड़ाई आप कह सकते हो 2a और ऊंचाई आप कह सकते हो 4a, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इसे कपड़े और सीट के ढका जाए तो इनकी जो कीमतों का अंतर जो आएगा वो आएगा 126 रुपए, ठीक है। यानी कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे जो आपके पास आयताकार बक्सा है इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है। यानी कि आयताकार बॉक्स का मतलब आप कह सकते हो घनाभ, तो इस घनाभ का या इस आयताकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। यानी कि 2 × LB कितना हो जाएगा, L का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि LB कितना हो जाएगा, 2A × A, 2A² + BH, यानी कि 4 × 2 = 8, 8A² + HL, 4 × 4 = 4A², यानी कि 8×4 = 12, 14×2 = 28A² आ गया। पूरे जो घनाभ था या आयताकार बॉक्स था उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि अगर उसको कवर किया जाए तो 28A² क्षेत्रफल जो है कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कपड़े से और सीट से ढकने का अंतर जो है वो है 126 रुपए, यानी कि अगर 20.5 वाले से ढकोगे तो अंतर इसका मतलब उसी की कीमत ज्यादा आएगी, तो यानी कि 28A² × 20.5 माइनस 28A² × 20, और इन दोनों का अंतर कितना है, 126 रुपए, ठीक है, 126 रुपए। अब 28 से अगर आप कॉमन ले लो तो यहां बचेगा आपका 20.5 - 20 यानी कि 0.5, ठीक है। तो A² बराबर कितना हो जाएगा, 126/28 और × 0.5, तो 0.5 को आप 1/2 भी कह सकते हो, ठीक है। यानी कि 0.5 को आप यही आपने कह दिया 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा × 2, ठीक है। 2 से इसको काट लें, 14 बार और 126 है ना, 128 नहीं है, 126, ठीक है। यानी कि 126 14 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9 बार, यानी कि A² = 9, तो A बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। आपसे पूछा है कि बक्से की भुजाएं क्या होंगी, यानी कि A बराबर 3, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 3, 6 और 12, यानी कि 3, 6 और 12 ऑप्शन नंबर 1। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, BFD एक वृत्तखंड है जिसका केंद्र C है, तथा BGD वृत्तखंड का केंद्र A है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अगर मैं इसका विकर्ण खींच दूं, यानी कि D से मैं B को मिला दूं, तो यह बन जाएगा इसका विकर्ण, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरे पास वृत्तखंड है, ठीक है, ये जो मेरे पास वृत्तखंड था इसमें से अगर मैं इस त्रिभुज को निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ यही पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पूरे वृत्तखंड में से BCD, ठीक है, यानी कि ये जो मेरे पास वृत्तखंड था इसमें से मैंने ये जो त्रिभुज था BCD इसको निकाल दिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो इसका मतलब मेरे पास बचेगा सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, लेकिन शेडेड पोर्शन का सिर्फ आधा भाग मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आधा भाग निकालूंगा तो उसका डबल कर दूंगा तो इसका मतलब पूरा भाग आ जाएगा, तो मैं सिर्फ इस आधे भाग को निकाल लेता हूं। और इस आधे भाग को निकालने के लिए क्या करूंगा, देखिए, जब भी आपको पहली चीज तो ये आपको दे रखा है वर्ग, यानी कि वर्ग के जो चारों कोने होते हैं वो 90 डिग्री पर ही होते हैं, यानी कि दोनों चारों कोनों का जो एंगल होता है बीच का वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। यानी कि ये जो वृत्तखंड है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की एक भुजा भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर का मतलब 10 का वर्ग 100, थीटा कितना है 90 डिग्री बाई 360, ठीक है। तो 90 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 25, यानी कि 25 पाई आ गया इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। जिसमें से अगर मैं इस आधे त्रिभुज का निकाल इस त्रिभुज का निकालना चाहूं बीसीडी का, तो बीसीडी क्या होगा, पूरे वर्ग का आधा ही तो है ये, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर, सिंपल सी चीज है। तो यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 50 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरे पास आधे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये जो पूरा मैंने निकाला था 25 पाई, इसमें से माइनस कर दिया मैंने 50, ठीक है। 50 क्यों, क्योंकि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो है 100 वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें से अगर मैं इस त्रिभुज को निकालना चाहूं यानी कि आधे भाग को निकालना चाहूं तो आधा भाग हो जाएगा 50, तो उसी 50 को मैंने माइनस कर दिया, लेकिन ये निकला किसका, आधा छायांकित भाग। अगर मैं आधे छायांकित भाग का 25 पाई माइनस 50 है तो पूरे छायांकित भाग का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 25 पाई माइनस 50, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 50 पाई माइनस 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 50 पाई माइनस 100 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 100 वर्ग मीटर का एक आयताकार बगीचा बनाना चाहता है, चूंकि उसके पास केवल 30 मीटर तार है, अतः वह घर की दीवार को चौथी भुजा को रूप में लेते हुए अन्य तीनों भुजाओं पर तार लगाता है, तो बगीचे की चौड़ाई कितनी है। देखिए, वो कह रहा है कि उसके पास तार जो है वो 30 मीटर है, ठीक है, लेकिन उसको बनाना है एक आयताकार बगीचा, तो वो क्या करता है कि जो दीवार है उसको एक साइड मान के और बाकी तीन भुजाओं को वो तार के रूप में कवर कर देता है, ठीक है। यानी कि जो चौथी साइड है दीवार वाली, उस तरफ तो उसको तार लगाना नहीं है, बाकी जो तीन भुजाएं जो बचती हैं उसमें उसको 30 मीटर तार लगाना है। अब अगर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू करना चाहें तो बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो 50 मीटर और 100 मीटर तो भुजाएं हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास केवल तार ही 30 मीटर है, तो उसको तीनों भुजाओं में अगर कवर करना है तो 30 मीटर तार कवर करना है। यहां उसकी बगीचे की चौड़ाई यानी कि एक भुजा की लंबाई ही 50 और 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो गए खत्म। अब आता है 10 और 5, यानी कि अगर आप 10 को देखो तो अगर आपने चौड़ाई 10 मीटर मान ली तो इसका मतलब एक चौड़ाई भी 10 और दूसरी चौड़ाई भी 10, क्योंकि आयताकार का मतलब क्या हो गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है। तो यानी कि एक चौड़ाई 10 तो दूसरी चौड़ाई भी 10। अब उसके पास बचा 20 मीटर तार, अगर लग गया तो उसके पास बचा सिर्फ 10 मीटर तार, यानी कि जो उसकी एक साइड की लंबाई है वो भी उसने 10 मीटर ही मान ली, यानी कि चारों भुजाएं कितनी होंगी, 10, 10, 10 और 10। लेकिन उसने कहा है कि आयताकार बगीचा बनाना चाहता है, तो आयताकार बगीचा बनाने के लिए उसकी भुजा 10 मीटर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 10 मीटर लगाएगा तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब वो बन जाएगा वर्गाकार। तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ 5 मीटर, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 5, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शंस के थ्रू। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से करना चाहते हो, 100 वर्ग मीटर का एक आयताकार बगीचा उसको बनाना है, यानी कि क्षेत्रफल होगा उसका 100 वर्ग मीटर, ठीक है। यानी कि अगर आपने उसकी लंबाई को a ले लिया तो चौड़ाई कितना हो जाएगी, 100 बटा a, ठीक है। ठीक है, या फिर चलिए इसको ही ले लेते हैं, लंबाई a और चौड़ाई 100 बटा a, ठीक है। l और b ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि लंबाई होगी a और चौड़ाई होगी b, या फिर अगर सेम ही रखेंगे तो ज्यादा फायदा है, ठीक है, यानी कि 100 बटा a, लंबाई a और चौड़ाई 100 बटा a। अब देखिए, वो ये कह रहा था 100 वर्ग मीटर का उसका बगीचा बनाना है और उसके पास केवल 30 मीटर तार है, ठीक है। यानी कि अगर मैं उसकी
30 मीटर तार को अगर मैं कवर करना चाहूं, ठीक है, तो मैं उसमें क्या लूंगा कि जो 30 मीटर का तार जो होगा वो क्या होगा, अगर मैंने 100 बटा ए उसकी चौड़ाई ली है तो बाकी जो दो बचेंगे वो बच जाएंगे उसकी लंबाई, और इसके बराबर कितना है आपके पास 30, ठीक है भाई, एक चौड़ाई और दो उसकी लंबाई, और ये हो जाएगा पूरा 30 मीटर, ठीक है, क्योंकि तीन भुजाओं की लंबाई उसकी 30 मीटर है। अब ये भी इसका एलसीएम आ जाएगा ए, यानी कि 100 प्लस ये हो जाएगा कितना 2a, 2a स्क्वायर बराबर 30, यानी कि 100 प्लस 2a स्क्वायर बराबर 30 है। अब इस 30 को उठा के इधर ले आए तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 100 बराबर 0, ठीक है, दो सभी में कॉमन दिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस 15 ए प्लस 50 बराबर 0। अब ये समीकरण है, समीकरण हमने एक चैप्टर किया था, हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो 50 के ऐसे दो टुकड़े जिनका टोटल माइनस 15 आता हो, तो माइनस 10 और माइनस 5, ठीक है, यानी कि माइनस 10 माइनस 5 तो ए का मतलब आ जाएगा 10 और 5, प्लस 10 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण है, समीकरण हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो 10 और 5। अब 10 मीटर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 10 मीटर लोगे तो लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10, जो कि हम पहले ही उसको डिनाई कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप 10-10 मीटर लोगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगी, जिससे कि वो एक आयताकार ना बनकर वो बन जाएगा एक वर्गाकार, ठीक है, तो इसका मतलब 10 को अगर नहीं लोगे तो कौन सा ऑप्शन लोगे आप, 5, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसकी, ए बराबर कितनी हो जाएगी 5, यहां आपने लंबाई लेना था, चौड़ाई आपने ए और लंबाई आपकी 100 बटा, ठीक है, तो यानी कि एक साइड हो जाएगी उसकी 5। एक गोले तथा घन के पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, तो गोले के आयतन का घन के आयतन से अनुपात क्या होगा। गोले और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a², यही होता है, और ये दोनों बराबर है, यानी कि यहां से आप निकाल सकते हो a और r, ठीक है, यानी कि घन की एक भुजा और r का मतलब त्रिज्या आप निकाल सकते हो, दो से काट लिया 2, दो से काट लिया 3, यानी कि a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2π/3, यानी कि a अपॉन r कितना हो जाएगा √2π/√3, ठीक है, आपसे पूछा था कि गोले के आयतन का, गोले का आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि अगर रेडियस √3 है तो यानी कि गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3πr³/। घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है भुजा की घात 3, यानी कि ए क्यू, देख लेते हैं क्या हो जाएगा 4/3 × π × r³, यानी कि 3√3/ ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब का मतलब 2π × √2π, ठीक है, तो पाई से कट गया पाई, 3 से कट गया 3, 2 से कट गया ये 2, ठीक है, अब आपके पास बचेगा ऊपर 2√3/√2π, यानी कि आप एक तरह से ये भी कह सकते हो कि √2√3/√2 × √π, ठीक है, अब इस रूट 2 से जब आप इसको काटोगे तो ये भी बन जाएगा आपका कितना √2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √6/√π, तो आयतन कितना हो जाएगा √6/√π, ठीक है, तो गोले के आयतन का घन के आयतन से अनुपात हो गया √6/√π। आगे बढ़ते हैं, 5 समान घन जिसमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है को एक दूसरे के साथ लगते हुए रखा जाता है, तो नए बने ठोस का आयतन कितना होगा। देखिए 5 समान घन है और प्रत्येक की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि घन है तो उसकी भुजा तो सारी समान ही होंगी, 5 घन रखे जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि 1 घन 2 घन 3 4 और 5, ठीक है, ये 5 घन रखे गए और प्रत्येक की भुजा होगी 5। अब अगर ये जो नया ठोस जो बनता है तो इस नए ठोस की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25, क्योंकि 5 5 5 5 और 5, यानी कि उसकी लंबाई तो हो जाएगी 25, लेकिन उसकी चौड़ाई और ऊंचाई उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ रह जाएंगे 5 सेंटीमीटर ही,
ठीक है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा नए बने ठोस का, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यानी कि 25 गुणा 5, 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा 625, 625 घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग के चारों कोनों के चारों ओर चार समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि प्रत्येक अन्य दो को स्पर्श करता है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्तों की परिधियों के बीच घेरा क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अगर आप इसका छोटा सा फिगर बनाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मान लो ये वर्ग बनाया था, समान वृत्त बनाए जाते हैं और इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि एक जो है वो अन्य दो को स्पर्श करे। ठीक है, यानी कि समान त्रिज्या के चार वृत्त बनाए गए और जो बाकी दो को स्पर्श करता है, यानी कि ये जो वृत्त होगा वो इसको और इसको करेगा, ये जो वृत्त होगा ये इसको और इसको, यानी कि एक दूसरे में दो दो को वो टच करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वृत्तों की परिधियों के बीच, यानी कि ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी कराया हुआ है और मैंने वहां आपको बताया था कि इस तरह की जब सिचुएशन आए जिसमें बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल आपने निकालना है तो आप उसमें सीधा सा एक चीज लगाइए, 3/14 ए स्क्वायर, बस आपके पास सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 3/14 ए स्क्वायर, यानी कि 3/14, ए का मतलब कितना है, इसकी एक भुजा, यानी कि 14 × 14, तो 14 से 1 14 कट गया, 14 × 3 = 42, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, या तो फिर अगर आप निकालना चाहते हैं तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग 196, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि ये जो पूरा एक तरह से बन सकता है पूरा एक वृत्त, तो जिस वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि पूरी भुजा अगर 14 है तो आधी हो जाएगी 7, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हो जाएगी 7, पाई आर स्क्वायर निकालो, पाई आर स्क्वायर निकालने के बाद 196 से माइनस कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम इतना सारा प्रोसीजर नहीं करेंगे, हम सीधा लगा देंगे 3/14 ए स्क्वायर, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 6+3√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखिए, समद्विबाहु यानी कि ऐसा समकोण, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि आप देखिए कि ये और ये दोनों भुजाएं ही बराबर हो सकती हैं सिर्फ समकोण त्रिभुज में, और ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, हमेशा जो विकर्ण होता है वो हो जाता है अगर दो भुजाएं बराबर हो तो भुजा √2। ठीक है, अब देखिए यहां आपके पास है 6+3√2, यानी कि अगर आप इसको करना चाहो तो इसको आप कह सकते हो 3, 3 और 3√2, यानी कि असल में ये जो तीन भुजाएं जो आई हैं वो इस समीकरण को या इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं, यानी कि वो जो भुजाएं हो जाएंगी समकोण त्रिभुज की, ये भी 3 और ये 3√2 कह सकते हो। तो यानी कि अगर आपके पास लंबाई सॉरी ऊंचाई और आधार 3, 3 है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 3 × 3 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5 आपका आंसर। ठीक है, तो 6+3√2 को आप कह सकते हो क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो 3+3+3√2। एक स्टोरेज टैंक एक वृत्ताकार बेलन के प्रत्येक ओर अर्धगोला जोड़कर बना है। यदि बेलन का बाहरी व्यास 14 मीटर तथा इसकी लंबाई 50 मीटर हो तो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे पेंट कराने की कुल लागत क्या होगी। देखिए, वृत्ताकार बेलन है और प्रत्येक ओर अर्धगोलाकार जोड़ा अर्धगोला इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें आपका अर्धगोला जोड़ दिया गया। ठीक है, बाहरी व्यास जो है बेलन का, बाहरी व्यास का मतलब अगर आप त्रिज्या देखते हैं तो ये हो जाएगी 7। ठीक है, यानी कि इसमें आपकी ये जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी 7। ठीक है, क्योंकि जब अर्धगोला जोड़ा जाएगा तो इसका कोना अर्धगोले का कोना और व्यास का कोना दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली टच करेंगे, और जब अगर एग्जैक्टली टच करेंगे तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों बराबर।
ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाले भाग की भी त्रिज्या जो है अर्धगोले की त्रिज्या वो भी सात और बेलन की त्रिज्या भी सात। बेलन का बाहरी व्यास 14 मीटर है और इसकी लंबाई 50 मीटर है, यानी कि ये 50 मीटर है, तो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे पेंट कराने की कुल लागत क्या होगी। अब देखिए, अगर आप इसको पेंट कराएंगे तो पहली चीज जो बेलन होगा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो तब होता जब बेलन की दोनों परतों को भी पेंट किया जाता, ठीक है। लेकिन यहां बेलन की परत तो है नहीं क्योंकि उनके ऊपर तो अर्धगोला रख दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेलन आएगा इसका तो वक्र पृष्ठ और प्लस ये जो अर्धगोला ऊपर और अर्धगोला नीचे, यानी कि ये बन गया पूरा एक गोला, तो इस पूरे एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πRh और प्लस ये जो पूरा गोला हमारे पास बन गया आधा ऊपर आधा नीचे, ये कितना हो जाएगा 4πR², ठीक है। और इसको निकालना है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो पहले इसको निकाल लेते हैं 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 7, एच कितना है 50, प्लस 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 होना, तो 7 से ये 7 कट गया, 7 से ये 7 कट गया। अब आपके पास बचा 44, 44 × 5 = 220 और 10, और ये कितना हो जाएगा 88 × 7 यानी कि 7×8 = 56 और ये 616 यानी कि आ जाएगा आपके पास 2816, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल आया है वो आया है 2816 वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर को रंगने का खर्च है 10 रुपए, तो 2816 को रंगने का खर्च कितना हो जाएगा 28,160 रुपए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बेलनाकार बाल्टी को रेत द्वारा भरा जाता है। इस बाल्टी को जमीन पर खाली करके रेत का एक शंक्वाकार ढेर बन जाता है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो ढेर के आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, पहले सेशन में भी हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी कि जब आप इस तरह की चीजों को एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हो तो 3D में क्या होता है कि उसका आयतन जो है वो समान रहता है, ठीक है। यानी कि इस भरे हुए बेलनाकार बर्तन जो था या बाल्टी जो थी, इसका जो आयतन होगा वो जो रेत खाली करके वो जो शंक्वाकार ढेर बनाया जा रहा है उसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इस बेलनाकार बाल्टी का आयतन कितना हो जाएगा πR²h, ठीक है, और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3πR²h, ठीक है, πR²h। अब देखिए, शंकु का आयतन क्योंकि आपने h निकालना है, त्रिज्या r निकालनी है आपने, h आपको दे रखा है, यानी कि 1/3π से तो पाई कट गया, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपने निकालना है, एच कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और इधर आपके पास आर स्क्वायर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, यानी कि 21 × 21 और एच आपको दे रखा है 36, ये दोनों आपको बराबर कर देने बस, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा नीचे, यानी कि 21 × 21 × 36 और 3 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ये आ जाएगा 12 नीचे, तो 12 से कट जाएगा 3 बार, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये एक पेयर 21 × 21, ठीक है, ये पूरा एक पेयर बना हुआ है तो ये हो जाएगा 21, ये एक पेयर बना हुआ है तो ये हो जाएगा 3, यानी कि R बराबर आ गया 63 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ढेर के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 63 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार पीपा की ऊंचाई 21 मीटर है और इसके आधार का व्यास ऊंचाई का 2/3 भाग है, यानी कि ऊंचाई अगर 21 है तो व्यास कितना हो जाएगा 21 का 2/3 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 21 मीटर, और अगर व्यास 14 है तो यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। तीनों चीजें आ गई आपके पास, वैसे तो व्यास की हमको जरूरत नहीं पड़ती, हमें चाहिए सिर्फ त्रिज्या, तो ऊंचाई आपके पास 21 आ गई, त्रिज्या आपके पास आ गई 7। अब ये कह रहा है कि ढक्कन सहित उस पीपे पर धातु की परत चढ़ाने में क्या व्यय होगा, यदि प्रति वर्ग मीटर धात्विक चादर की कीमत 1250 रुपए हो, ठीक है। यानी कि
धातु की परत जब चढ़ाई जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके चारों तरफ ही चलाई जाएगी, ठीक है, और वो जो उसकी शेप है पीपे की वो है बेलनाकार। तो यानी कि बेलनाकार जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो आपने एक तरह से निकालना है और उसमें मल्टीप्लाई करना है 1250 का, ठीक है। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr इंटू आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यही होता है, 2πrh प्लस 2πr2। तो 2πr कॉमन ले लिया, आर प्लस एच, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 22/7, आर कितना है आपके पास 7, और आर प्लस एच कितना हो जाएगा 28, तो 21 और 7 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 44 गुना 28, यानी कि 28 गुना 4 112, 112 और 11 123, ठीक है। तो 1232 आ गया आपके पास जो उस बेलनाकार पीपे की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि अगर एक वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर की कीमत जो है 1250 है, तो 1232 की कितनी हो जाएगी, यानी कि 1232 गुणा 1250, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ जीरो ज्यादा दे रखी है इसलिए आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो 4 0 हो ही जाएगा, 5 गुना 2 10, 16, 11 और 6, ठीक है, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको, 1232 और 1250, 1 2 3 4, 0 6 1 6, ठीक है। 1232 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2464, और ये हो जाएगा 1200, ठीक है। 0 0 0, 6 2 8 9 1 9 और 1, 10 0, 6 4 10 3 13 14 का 4, 5 और 1, ठीक है। यानी कि आ जाएगा आपका पास 1540,000, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 1540,000, ठीक है। चलिए मेंसुरेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो एक नए चैप्टर के साथ होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।